यूसुफ और मरियम यहूदिया में ही दाऊद के नगर बेतलहम में ठहर गए। संध्या हो जाने पर रात भर ठहरने के लिए वे नगर के घर घर जाकर द्वार खटखटाया। कौन रहने की जगह कोई है क्या? यहाँ कुछ भी जगह नहीं है, हम तो बहुत सारे हैं, एक भी जगह नहीं है। जगह है तो दे दीजिए ना, हम परेशानी में हैं, एक भी जगह नहीं है। बोले समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को क्या? हम लोग बहुत सारे हैं, आगे आप लोग चले जाइए। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? नगर के कोई भी यूसुफ और मरियम के लिए आश्रय नहीं दिया। एक रात बिताना मरियम और यूसुफ के लिए अत्यंत कठिन हो गया था। कड़ाके की ठंड में मरियम और यूसुफ रात काटने के लिए छोटी सी जगह ढूंढते भटकते रहे। अंत में किसी ने एक टूटा फूटा गौशाला दिखाया, जहां उनके सभी गाय बैल भेड़ बकरी थे। यूसुफ ने उसी गौशाले में पुअल बिछाकर आराम करने के लिए जगह बनाई। जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जा रही थी, मरियम की प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी। वह पीड़ा से कराह रही थी। ठीक रात 12 बजे बालक यीशु का जन्म होता है और हम भी सुन सकते हैं बालक यीशु की रोने की आवाज। जैसे ही बालक यीशु का जन्म होता है, सारा संसार, सारी पृथ्वी आनंद से झूम उठते हैं। स्वर्ग में दूत संत भी अत्यंत हर्ष के साथ खुशी मनाते हैं। आइए तब हम भी आनंद से विभोर होकर नाचे और खुशियां मनाएं।